Welcome, dear students. इस वीडियो में हम कर रहे हैं लेसन यानी बराबरी करना, करना यानी दो के बीच बराबरी करना. इस लेसन में एक सी पोयम के जरिए हमें तो अलग अलग किस्म की कंपेरिजन बताए गए हैं वे यू कंपेयर टू थिंग्स दे मस्ट है जब हम दो चीज़ों की बराबरी करते हैं तब उन दोनों के बीच एक ऐसा कॉमन फीचर होना चाहिए जिसकी मदद से हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी बराबरी कर रहे हैं वैन वी कंपेयर अ स्पेस शिप एंड अ स्नेल वी कंसिडर ओनली देर स्पीड जब हम एक स्पेस शिप की कंपैरिजन एक स्नेल से करते हैं तब हम उनकी स्पीड की मदद से कंपेरिजन करते हैं वरना उन दोनों के बीच तो कोई भी कंपैरिजन करने लायक चीज नहीं है तो चलिए देखते हैं इस तरीके के और फ़ास्ट स्पेसशिप। स्पेसशिप की तरह बहुत तेज़। स्लो एज अ स्नेल स्नेल की तरह बहुत धीमे धीमे आहिस्ता यहां पर हम कौन सी चीज की कंपैरिजन कर रहे हैं कौन से कॉमन फीचर की स्पीड की

एक भेड़ के बच्चे की तरह शीप के बच्चे की तरह क्या है जंतुल यानी नरम तबीयत का नरम मिजाज का ये है कैरेक्टर कंपैरिजन यानी ये इन जानवरों की फितरत बताता है सावर एज लेमन नींबू की तरह खट्टा स्वीट एज जैम और जैम की तरह मीठा मीठा यहाँ पर हम किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं टेस्ट का स्वाद का जायके का ड्राई एज अ डेजर्ट रेगिस्तान की तरह सूखा वेट एज सी समंदर की तरह गीला यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है एहसास का तो हमें इन्हें सोने से होगा स्क्वायर एज अ हाउस एक घर की तरह स्क्वायर शेप राउंड एज अ पी एक मटर के दाने की तरह यहां पर हम किस चीज का कंपेरिजन कर रहे हैं ठंडा वॉर्म एज ए टोस्ट एक टोस्ट की तरह गर्म यहां हम किस चीज का कंपेरिजन कर रहे हैं टेम्परेचर का नोइजी एज अ रोट रोड ड्रिल जब चलती है तो कितना शोर होता है तो उसकी तरह नॉइजी क्वाइट एज ए घोस्ट और एक भूत की तरह नान यहाँ पर किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है साउंड का आवाज का स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स एक बैल की तरह ताकतवर वीक एज अ किटन एक बिल्ली के बच्चे की तरह कमजोर यहाँ कंपेरिजन किस चीज का हो रहा है स्ट्रेंथ का यानी इनकी ताकत का हार्ड एज अ रॉक एक पत्थर की तरह कड़क सख्त सॉफ्ट एज अ मिटन हाथ के दस्तानों की तरह नरम मुलायम यहाँ पर कंपेरिजन किस चीज का हो रहा है इनके टच का इनकी छूने से जो हमें एहसास होता है उसका टॉक एज अ टनल यानी एक सुरंग की तरह अंधेरा फ्लाइट एस द मून और चांद की तरह रोशन यहां पर हम किस चीज का कंपैरिज़न कर रहे हैं कि रोशनी हमें किस तरह से नजर आ रही है कभी अंधेरी या कभी रोशन नाइट टाइम मिड नाइट नाइट टाइम मिड नाइट यानी आधी रात का वक्त जो है

यहाँ हम किस चीज की कंपैरिजन कर रहे हैं हाइट की ऊंचाई की। माउंटेन पाथ, जो माउंटेन का पाथ होता है यानी जो पहाड़ी रास्ता होता है उसकी तरह केड़ा मेड़ा ट्रेट एज अ शेल्फ और एक शेल्फ की तरह सीधा यहाँ कंपैरिजन हो रहा है स्टेप के बारे में